अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलो, आज की हम जो स्केल है वो ये है कि आप हम लोग ये सिखाएंगे आपको कि आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप अपने फादर पे जाकर अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको आप लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी होगी। आप सब लोग ऐप यूज करते होंगे अपने मोबाइल फोन्स में। हमारे पास करोड़ों किस्म के ऐप होती हैं अपने मोबाइल फोन में, और हम तरह तरह के डाउनलोड्स करते भी रहते हैं अक्सर और बेशतर। कभी ये कभी वो, हम अपनी चॉइसेस के मुताबिक, कभी गेम्स की ऐप तो कभी हम अपने काम की ऐप डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब भी आपने डाउनलोड करी होगी, चाहे आईफोन से करी हो चाहे आपने एंड्रॉइड मोबाइल से करी हो प्ले स्टोर से, वहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है रिव्यू का, और बहुत सारे लोग रिव्यू मांगते हैं और देते भी हैं। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यू एप्लीकेशंस बनाते हैं और टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं, ताकि अगर उनके रिव्यूज अच्छे होते हैं तो फिर वो फर्दर वो उसकी पब्लिसिटी करते हैं, और ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है वो चल पड़े। तो उसके लिए आपसे बहुत सारे कस्टमर कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं आपसे, कहते हैं कि आप हाँ, हमें हमारी वेबसाइट को यूज करें और फिर हमें रिव्यूज दें। तो सबसे पहला जो आपका है वो है ऐप रिव्यू, और ऐप रिव्यू की बहुत ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि आजकल वेबसाइट से ज्यादा ऐप चल रहे हैं। क्योंकि अब जितनी भी वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं वो सब की सब अब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं रादर देन वेबसाइट्स। मैं आपको फायर पे सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए, आप लोगों को यकीन आ जाए कि ये काम भी होता है। हर चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेक है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है। तो हर चीज में पैसा होता है। मैं आपको इधर नीचे गिग्स भी दिखा देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि आई विल टेस्ट एंड क्यूए ऑफ द सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन, आई विल मोबाइल ऐप प्रमोशन करूंगा और मार्केटिंग करूंगा, ये सब करूंगा, रिव्यूज दूंगा, ये सब आपके उसमें है। अच्छा, अब ऐप रिव्यू तो आई थिंक सो सबको ही देना आता होगा। जब हम यूज का इंस्टॉल करते हैं तो नीचे उसके स्टार्स की रेटिंग के हिसाब से आ रहा होता है, तो आप उसको स्टार की रेटिंग के हिसाब से दे देते हैं। अब एक रिव्यू से काम नहीं चलता है हमारे, अब माने चलते कम से कम कोई एक बंदा 5-6 रिव्यूज तो दे, तो फिर आप उसको देते हैं। और एक ही आईडी से आप 5-6 रिव्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि वो फेक का लुक आते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी नई ईमेल्स लगाते हैं, अपनी नई जीमेल से करते हैं हर दफा। और आई थिंक तो जब फ्रीलांसिंग का काम करते हैं हम, तो हमारे पास आराम से 4 से 5 तो ईमेल्स होती ही हैं, क्योंकि हम कभी कुछ यूज कर रहे होते हैं ना, कभी कुछ यूज कर रहे होते हैं। ईमेल्स का भी डर होता है क्योंकि वो सब चीजें हैक वैक हो जाती है, तो हम इसके ज्यादातर मेल्स बनाते हैं, चाहे आप याहू पे बनाए, चाहे जीमेल पे बनाए, चाहे आउटलुक पे बनाए, किस पे भी बनाए, हमारे पास होती हैं। तो आपने अगर 5 मेल्स पे 5 अपनी जीमेल पे डिफरेंट डिफरेंट स्विच करके आपने दे दिया, वो आपके 5 रिव्यूज होगा। इसी तरह आपने अपनी मम्मी का मोबाइल ले लिया, अपने अबू का मोबाइल ले लिया, उससे दे दिया, इसी तरीके से आपने 5-10 रिव्यूज दे दिया डिफरेंट 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 जीमेल से। तो इस तरीके से आप, ये एक बहुत छोटी सी स्किल है, ये स्किल भी नहीं कहूंगी, एक छोटी सी ऑफर है जो आप दे के $5 से $10 कमा सकते हैं। और अगर आपको मार्केटिंग आती हो, डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर आप उसको करें तो आप इससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रिटिकल एनालाइजर हो, आप एनालिटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, किसी भी चीज का बता सकते हैं कि इसमें ये है, फलाना है, ढुकाना है, तो आप एप्लीकेशन का वो बहुत अच्छे तरीके से उसको अंदर घुस कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर आप उसको जाके देख भी सकते हैं कि हाँ भाई, ये इस वेबसाइट में, सॉरी, इस एप्लीकेशन में ये अच्छा और ये अच्छा नहीं। आप उसको बता सकते हैं, उसको रिव्यू इस तरीके से भी दे सकते हैं, उसके अंदर एनालाइज करके भी आप उसको बता सकते हैं। तो ये हो गई एक आपकी स्किल टाइप की, और इधर बहुत सारी स्किल्स हैं। मैं यहाँ पे 76 स्किल्स ऑफर हो रही हैं पाकिस्तान में, और आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज्यादा कोई कॉम्पिटिशन वाली स्किल है, आप इजिली इसको कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वाला काम नहीं होता। हम रिव्यू कोई 2 मिनट में दे देते हैं, 2 मिनट से कम कम में रिव्यू दे देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा आता है सेकंड नंबर पे, आती है स्पिन आर्टिकल। आई थिंक सो कंटेंट राइटिंग का काम हर किसी ने सुना होगा, और कंटेंट राइटिंग कुछ लोगों को मुश्किल भी लगती है और कुछ लोगों को आसान भी लगती है, लेकिन कंटेंट राइटिंग का काम बहुत मुश्किल नहीं होता।
अगर आपको थोड़ी बहुत राइटिंग की स्किल आती हो तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग का काम बहुत आसान होता है। खैर, आप स्पिन आर्टिकल भी कर सकते हैं। स्पिन आर्टिकल से मतलब ये होता है कि आपको एक क्लाइंट आर्टिकल लिख के देगा, ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, बना बनाया लिखा होगा, आपसे सिर्फ ये कहेगा कि इसकी वर्डिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज कर दो, ऐसा लगे कि किसी ने न्यूली टाइप करा है, तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्पिन आर्टिकल का नाम देते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, उसकी सर्विसेज भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये आ गई आपकी स्पिन आर्टिकल। ये 80 सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं अभी, और ये अभी आपको मैं दिखा दूँ लोकल सेलर कितने हैं। लोकल सेलर सिर्फ 15 हैं पाकिस्तान में से, सिर्फ और सिर्फ 15 हैं। और अभी जो एक्टिव यूजर्स हैं, ऑनलाइन सेलर जो अभी अभी दे रहे हैं सर्विसेज, उसमें से सिर्फ एक ही बंदा ही सर्विस दे रहा है अभी जो ऑनलाइन बैठ के। अच्छा जी, लोकल सर्विस में 15 लोग सर्विस दे रहे हैं कि आई विल डू स्पिनिंग, आई विल डू आर्टिकल स्पिनिंग टू मेक योर कंटेंट यूनिक, आई विल डू एडवांस आर्टिकल स्पिनिंग और री राइटिंग। ये तरीके से एक री राइटिंग स्किल है, या स्पिनिंग आप कह सकते हैं, पैराफ्रेजिंग स्किल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए आता है एक, आप इंटरनेट पे आप गूगल पे जाके सर्च बार में लिखें स्पिन आर्टिकल जनरेटर। यहाँ पे आपने लिख दिया, या आपकी जो सेकंड वाली वेबसाइट है फ्री आर्टिकल स्पिनर और ये वाला स्पिन आर्टिकल, आप इन दोनों को कोई सी भी साइट खोल लें, ये दोनों की दोनों फ्री हैं, आप इधर से कर सकते हैं, या आप अपना आर्टिकल लिखें। मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। मैंने स्पिन आर्टिकल लिख लिया, वो आर्टिकल मैंने लिख दिया, अब मैं इसको स्पिन कर रहे हैं। आई एम नॉट अबाउट, इस पर पहले क्लिक करें, अब यहाँ पे आके आप स्पिन कर दें, री राइट आर्टिकल कर देंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल आपका री राइट हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं हो, और आप इजीली कर सकते हैं। ये आपका री राइट वाला आर्टिकल आ गया। अब इसमें से हर चीज पूरी की पूरा आर्टिकल रीराइट नहीं हुआ, कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ कुछ वर्ड्स आपके रीराइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा। अब इसी तरीके की एक और स्किल कंटेंट राइटिंग से ही रिलेटेड है, वो है एडिटिंग की, या आप कह सकते हैं प्रूफ रीडिंग की या करेक्शन की। ग्रामरली का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे सेशंस भी हुए हैं कंटेंट राइटिंग पर, और छोटी छोटी आप लोगों को हमें बता हमने बताया भी है कि क्लिप्स कैसे आप कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को ग्रामर फ्री कैसे बना सकते हैं। अब फ्री वर्जन भी है और ग्रामरली का पेड वर्जन भी है, दोनों ही वर्जन है। तो आप यहाँ पे grammarly.com लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी जीमेल वगैरह लगाएंगे तो आप फ्री में साइन इन हो सकते हैं और फ्री में आप कर सकते हैं। अब एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का मतलब सिर्फ बस सिर्फ यही होता है कि आप अपने आर्टिकल को ग्रामरली से प्रूफ करें। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो लिख तो लेते हैं लेकिन ग्रामरली से उनका प्रूफ नहीं होता। आप अगर वेबसाइट पे भी जाकर देखें ना, वेबसाइट को कभी आप जाएं और उसमें से कोई भी एक दो पैराग्राफ कॉपी करें और उसको ग्रामरली में, फ्री ग्रामरली में ही चेक करें, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और ये मैंने करा हुआ है, मैंने देखा हुआ भी है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो उसको आप अगर आप उनको सही करके दे दें उनके मिस्टेक्स को, तो वो भी आपको एक पैसों का जरिया ही होता है, आप इजीली करके दे सकते हैं। अच्छा जी, जो मैंने यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्पिन जो आर्टिकल मैंने करा था, यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रामरली ऑलरेडी फ्री में डाउनलोडेड है, तो ये जो मेरे पास ये जो रेड डॉट डाला है, तो उसका मतलब इसमें चार गलतियां हैं और इसमें वो आइडेंटिफिकेशन हुई भी होंगी, जैसे कि ये देखें, ये और में और से पहले कॉमा आना चाहिए,
और एक ही गलती थी, बाकी की जो तीन गलतियां हैं वो है एडवांस गलतियां, मतलब वो आपको प्रीमियम वर्जन से मिलेंगे। अगर आपको चाहे तो वो प्रीमियम वर्जन दे भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो वो नहीं भी दे सकते, वो डिपेंड करता है। लेकिन फ्री वर्जन में भी आप बहुत अच्छे तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैं आपको उसे फाइवर पे दिखा भी देती हूँ। आप इसका नाम आप लिख लें, कलेक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं। देखें पाकिस्तान में ये सर्विस कितने लोग दे रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। 3,854 सर्विसेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। इसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आई विल राइट द एसे री राइट है, प्रूफ रीड है, करेक्शन है, ये सब आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल स्पिन आर्टिकल की ही तरह एक स्केल है। आप स्पिन आर्टिकल में ये करते हैं कि आप आर्टिकल सिर्फ उसको रीफ्रेज करके दे देते हैं, करेक्शन में आप ये करते हैं कि आप उसकी करेक्शन को भी मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये आपके हो गए करेक्शन या एडिटिंग वाली स्किल। अब आती है एक स्किल ब्रांडिंग सर्विसेज के नाम से। ब्रांडिंग सर्विसेज के नाम से आप ये सोचे होंगे कोई किसी को एडवर्टाइजिंग करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रांडिंग सर्विस भी कह सकते हैं और इसको बिजनेस नेम भी कह सकते हैं, दोनों दोनों नेम दे सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं ये ब्रांडिंग सर्विसेज इसके मौजूद भी हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें 42 लोग सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई विल डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसमें आता है, इसमें आता है आपका बिजनेस का नेम्स आते हैं, बिजनेस के स्लोगन आते हैं, ये सब आता है। अब हम कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उस बिजनेस का नाम क्या रखे। वो जब बिजनेस का नाम यूनिक होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो लोग आते हैं। और एक मशहूर हमारा एक स्लोगन, अगर हमारा स्लोगन या टैगलाइन जिसे कहते हैं हम, हमारी अच्छी हो तो उससे भी लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। जैसे आपने उसका सुना होगा, क्या कहते हैं, जजा का, क्या है उसका जजा की टैगलाइन क्या है कि फूड बनाए वो खाना खाने को बनाया खालिस, ऐसा कुछ टैगलाइन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जजा लाए बरकत ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से आप जो उनकी टैगलाइंस होती हैं वो अच्छा है। अब जजा भी नाम एक अच्छा है, जे डॉट उन्होंने अपने नाम से रखा है, तो इस तरीके से आप अपने नाम से ये रख सकते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, वो कौन सा ऐसा वेबसाइट है जो फ्री में आपको नाम प्रोवाइड करती है, उसका नेम है नेम लिक्स, namelex.com। आप अपने क्लाइंट से ये पूछ लें कि भाई तुम्हारा जो भी तुम बिजनेस करने जा रहे हो वो किस चीज से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से है, फूड से, क्लोथिंग से है, सर्विसेज से है, किस चीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं कि फूड। अब यहाँ पे मैंने फूड लिखा है। अब वो यहाँ पे ये पूछता है कि वो मुझे छोटा सा नाम चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बहुत बड़ा नाम चाहिए, मीडियम नाम चाहिए। शॉर्ट नेम में क्या होगा, 3 से 4 लेटर होंगे। मीडियम नेम में 6 से 12 लेटर, 12 लेटर होंगे। लॉन्ग नेम्स में क्या होगा, 12+ लेटर होंगे। तो अभी मैं मीडियम नेम कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है जनरेट। जब आप देखेंगे जनरेट हो रहा है। अब इसमें इतने सारे आपके पास फूड से कैटेगरी के रिलेटेड आपके पास नाम आ जाएंगे जो आपका जो क्लाइंट है वो रख सकता है। मीली, फूडी, फूड चेन, फूड अरोमा, फूड फीड और फूड लाइन, ये बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी माइक ओपन करे वो म्यूट कर लें। ये इस तरीके से आप बहुत सारे आपके पास नाम आ जाएंगे, और आप इनको जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो देते हैं। आप चाहे वो आपसे ये भी कह सकता है कि मुझे कोई 4-5 नाम निकाले थे जो जो बहुत बेस्ट हो, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें जो आपको बहुत बेस्ट लगते हैं। जैसे ये टोस्ट फूड और ये हंग्रिक,
और हॉट फूड, ये अच्छे नेम्स हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं अगर क्लाइंट को दूं तो मैं एक लिस्ट बना कर दे दूं कि ये बहुत अच्छे नाम है। अब हमारे पास आता है स्लोगन का। अब हम को हर कोई टैगलाइन लगाता है, तब हम यहाँ पे ना वो भी लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, एक और वेबसाइट है, उसका नाम है बिजनेस नेम जनरेटर। ठीक है, ये आपके यहाँ आ गया बिजनेस नेम जनरेटर। अब ये है शॉपिफाई से रिलेटेड, लेकिन आप इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसका है ट्रायल वर्जन है, अगर आप लॉगिन वगैरह कर लें तो ये आपके लिए फ्री होगा। और अगर आप ट्रायल वर्जन पे भी ही जाएं तो इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। ट्रायल वर्जन भी काफी अर्से तक चलता है, आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो ये फ्री में हो जाएगा। खैर ना, आपको इधर जैसे अभी हमने नेम जो सेलेक्ट करा था, नेम लिस्ट पर हमने किस पे सेलेक्ट करा था, फूड फूड पर ना, तो अभी हम टैगलाइन भी फूड की देखते हैं। फूड या हमारे पास आ गए हैं, क्या कहते हैं, ये भी एक और वेबसाइट है जिससे आप अपने वो बना सकते हैं, फूड ले सकते हैं। फूड है, मेगर फूड है, आइडेंटी फूड, कॉन्स्टेंट फूड, इतने सारे आपके पास ये नाम आ गए, बहुत सारे नाम आ गए आपके पास। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लें। ठीक है, एक और नाम है, अब इसका है शॉपिफाई स्लोगन। अब यह आता है स्लोगन क्रिएशन। ये दोनों जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है वो है बिजनेस के नाम से रिलेटेड। आप बिजनेस के नाम सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का नाम जो आपको, जो आपका क्लाइंट कहे कि मुझे ये फलाना फलाना, मेरी ये कैटेगरी है और मुझे इसके रिलेटेड बहुत अच्छे से नाम लिखे दो, और वो आपको साथ साथ स्लोगन का भी बोलेगा। तो आप स्लोगन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने जब वेबसाइट का नाम फोर्ड से सर्च करती हूँ, स्लोगन भी फोर्ड के नाम से सर्च करता हूँ। ये हमारे पास आ गई टैगलाइंस। प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन इज फूड, ओह नो, बेटर गेट द फूड। ये इतनी सारे आपके पास स्लोगन आ गए हैं, जो आपको बेस्ट लगे चार पांच आप उठा लें और अपने क्लाइंट्स को करा दें। और ये आराम से आप जो सर्विस दे सकते हैं, या $5 $10 में आप दे सकते हैं। आई थिंक सो, मैंने आपको दिखाई भी है। लोग ये कितने में काम कर रहे हैं। देखें इसमें क्या लिखा है, आई विल क्रिएट 10 यूनिक बिजनेस नेम, कंपनी नेम। मैं आपको एक गिग खोल के दिखा देती हूँ कि इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। देखिए इसमें क्या लिखा है, आई विल बिगिन फ्रॉम 10 कैची एंड ओरिजिनल नेम्स विद द डोमेन अवेलेबिलिटी। आप चाहें तो ये सर्विस दे दें, अगर आपको डोमेन आपको बाय करना आता है, या आप उनसे बोलें कि पेमेंट दे दें, मैं डोमेन बाय कर देता हूँ। स्टैंडर्ड पैकेज में वही सेम है, 10 कैची नेम्स हैं, डोमेन है, यूएसए का ट्रेडमार्क है और दो लोगोज हैं। प्रीमियम में 10catchynames.com डोमेन की है, ट्रेडमार्क है, सोशल मीडिया हैंडल है। ये आगे उन्होंने फर्दराइज उन्होंने सर्विस कैटेगरी करी है। इसमें देखें, 8 2 ऑर्डर इनके पास क्यों है, 8 ये ऑर्डर दे चुके हैं अपने, कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस तरीके से आप भी सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पर भी आ गया कि आई विल क्रिएट अ पावरफुल बिजनेस नेम विद डोमेन, आई विल क्रिएट अ कैची बिजनेस नेम, ब्रांड नेम, डोमेन नेम, आई विल फाइंड मोस्ट क्रिएटिव नेम। तो जो मैंने आपको जो फ्री वेबसाइट बताई है, उससे स्लोगन और उससे बिजनेस नेम बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं और बहुत ही क्रिएटिव निकल सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट है आज की सर्विस जो हम ऑफर कर सकते हैं विदाउट इजीली, हम किसी को सर्विस मतलब अपने, आपको जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, आप अगर इसके भी दे सकते हैं बहुत इजीली आसानी से, वो
वो है प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन से है कि डिजिटल प्रेजेंटेशन। अब जाहिर सी बात है, हम हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन में डिजिटल प्रेजेंटेशन देंगे। पहले मैं आपको सर्विस दिखा दूं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ से दे सकते हैं। आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल डिजिटल प्लानर फॉर ईस्ट शॉप। आई विल डिजाइन डिजिटल प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर। आई विल डिजाइन मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड कैटलॉग। आई विल डिजाइन डिजिटल मीडिया प्रेजेंटेशन। ये आप कहाँ पे दे सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये गिंग देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अप टू 5 स्लाइड्स अनलिमिटेड रिविजन एंड मोर। स्टैंडर्ड पैकेज है इनका, गोल्ड पैकेज है, डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट अप टू। प्रीमियम पैकेज भी इनका यही है। अब आप पावर पॉइंट को जानते होंगे, पावर पॉइंट में बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं, ऑलरेडी बने बनाए बहुत अच्छे क्रिएटिव्स हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप एक और नाम है इसका, जिसका नाम है स्लाइड कार्निवल। स्लाइड कार्निवल पे बहुत ही जबरदस्त टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं उसके पावर पॉइंट्स के, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके आप उनको अपने मुताबिक, उनके मुताबिक आप सर्विस क्रिएट करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब मैं इसमें से कोई भी एक पिक कर लेती हूँ, जैसे कि ये वाला, दिस इज योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू प्रीव्यू एंड डाउनलोड। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपको गूगल थीम पे करना है, यूज गूगल स्लाइड थीम, या आपको पावर पॉइंट पे, ये आपकी मर्जी है, जिसमें करना चाहें आप कर लें। ये दोनों इस आपके सब फ्री हैं। इसमें देखें अभी ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा डाउनलोड हो गया, मैं इसको खोल के आई हूँ। देखिए ये आ गया आपके पास। ये मैं यहाँ पे अनेबल एडिटिंग करती हूँ, तो अब यहाँ पर मैं अनेबल एडिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एडिट कर सकती हूँ। देखिए जैसे कि मैं लिख दूँ, My name is Fatima Kamran. I am from Papa. ये हो गया हमारा एडिट करके। इस तरीके से ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आप इस तरीके से कितनी स्लाइड्स हैं, इसमें 40 के तकरीबन स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी 40 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी दिखा देती हूँ। ये जो आपको आ रहा है 1 of 40 मीन्स 40 स्लाइड्स है। तो आप अपने क्लाइंट के हिसाब से पूछ लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, जो उसको क्रिएटिव लगेगी, फिर आप उसको उसके हिसाब से एडिट करके दे सकते हैं। एक और है वो हमारे पास है, गूगल स्लाइड्स। याद है आपकी गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स में आपके पास ये दोनों पर्सनल है, बिजनेस है, आप जो भी क्लाइंट आपके कहता है वो आप करें। ये बिल्कुल, ये जो गूगल स्लाइड्स होती हैं बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह होती हैं, और इसके अंदर
एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है और पावर पॉइंट भी होता है, तीनों चीजें होती हैं। गूगल की ये फायदा होता है कि आपका ड्राइव में हर चीज सेव हो जाती है। आप जब वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे होते हैं, वो ड्राइव में सेव नहीं हो रहा होता, इन डायरेक्ट आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं। अब इसमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी आप क्लिक करके बना सकते हैं खुद की, या आपके पास ये ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट गैलरी पे आप क्लिक कर लें, इतने सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जो चाहें आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें, वेडिंग का है, फोटो एल्बम है, आइडिया है, रेसिपी बुक है, पोर्टफोलियो है, लुक बुक है, पार्टी इनवाइट है, जो आपका दिल चाहे आप उसको क्लिक करें और अपने हिसाब से ये बना लें। पोर्टफोलियो पे मैंने क्लिक करें, अब ये आ गया है मेरा सेम थिंग। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूं एडिट करके, डिजिटल जो भी मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, इसी तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अबाउट मी है, मेरी स्किल्स हैं, एक्सपर्ट हैं, पोर्टफोलियो सैंपल्स हैं, यहाँ पे मैं सैंपल्स अटैच करूँ, यहाँ पे मेरी जो मर्जी आए वो मैं अटैच करूँ अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट नेम, जो मैं करंट कर रही हूँ, मैं जो कर चुकी हूँ, यहाँ पे मेरी करियर की हाईलाइट्स हैं, ये ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर मौजूद है। अब अपने हिसाब से इसको करें, और आप उसको डाउनलोड करने के बाद या यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप जाके शेयर कर सकते हैं। आई होप सो सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। यही आज की हमारी स्किल्स थी या हमारी ऑफर्स थी गिग की, जो हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं बहुत इजीली विदाउट मच टाइम।